हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले है। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क फैक्ट की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क फैक्ट की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम।
टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक का समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सिक्वेल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सिक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। बस चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक का समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सिक्वेल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सिक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। बस चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच
बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क फैक्ट की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क फैक्ट की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण
निर्माण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वहीं इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णा माचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णा माचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में
एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णा माचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल है। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वहीं इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णा माचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल है। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं।
टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉल सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉल सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है।
वक्त चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल है। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वहीं इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवा वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वक्त चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल है। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वहीं इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवा वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वक्त चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था।
साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वेल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वेल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को 2 बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में
निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक का समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवा वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक का समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवा वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकेय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम।
टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयं भू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है। वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क चेक की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच
बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क सेट की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का फिल्मीकरण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल हैं। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सीक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनोज परमहंस के हाथ में है, वही इसका संगीत रवि बसु ने तैयार किया है। इसके सवाल वासुदेव मुनेपगारी ने लिखा है, जबकि एस प्रभाकर ने फिल्म का सेट डिजाइन किया है। वर्क सेट की बात करें तो निखिल को आखिरी बार पर्दे पर सपाई नाम की फिल्म में देखा गया था। साल 2023 में आई इस फिल्म को दर्शकों की मिलती जुलती प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं इसके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे जल्दी ही फिल्म कार्तिकीय 3 में नजर आने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में निखिल की न्यू फिल्म आने वाली है स्वयंभू, इसकी न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। वे जल्द ही पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू में नजर आने वाले हैं। फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भरत कृष्णमाचारी के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक समय की फिल्म की टीम एक प्रमुख एक्शन सीक्वल का
काम कर रहे हैं जिसमें प्रमुख कलाकार शामिल है। इन दृश्यों में निखिल कुछ हैरतअंगेज स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे वियतनामी लड़ाकों समेत 700 कलाकारों के साथ 12 दिन तक शूटिंग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर सिक्वल को दो बड़े सेट पर शूट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीक्वेंस की शूटिंग में निर्माता पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे शूट करने में मेकर्स के 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इन एक्शन दृश्यों में आने वाली लागत की वजह से यह फिल्म चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक्शन पीरियड एडवेंचर ड्रामा में संयुक्त और आभा नटेश महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भुवन और सीकर कर रहे हैं। टैगोर मधु द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के छायांकन की कमान मनो